हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो कॉटन फाइबर की जीनिंग होती है वो किस तरीके से होती है और कौन कौन से स्टेप होते हैं उसमें। कॉटन जीनिंग की जो मशीन होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और दोस्तों पोस्ट जीनिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है जीनिंग ऑफ कॉटन फाइबर एंड पोस्ट जीनिंग ट्रीटमेंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जीनिंग होती क्या है, मतलब व्हाट डू मीन बाई जीनिंग प्रोसेस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जीनिंग, मतलब जीनिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, हाउ कॉटन इज जीन्ड, कॉटन की जीनिंग कैसे की जाती है। एज वी नो दैट कॉटन फाइबर्स ऑब्टेंड डायरेक्टली फ्रॉम फार्म्स हैव कॉटन सीड एंड मैनी अदर इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट, डस्ट एंड प्लांट लीव्स विद इट। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा कॉटन होता है वो कॉटन के फार्म से प्राप्त किया जाता है, तो उसके अंदर कॉटन सीड के अलावा और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। वो होती हैं आपकी डर्ट भी होती है, डस्ट भी होती है, और प्लांट लीव्स भी होते हैं, प्लांट के ब्रोकन स्टेम भी होते हैं। देयर फोर इट इज नेसेसरी टू मेक कॉटन फाइबर्स फ्री फ्रॉम दीज इम्प्योरिटीज। दोस्तों, इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि हम जो हमारा कॉटन फाइबर है इसमें से ये जो सारी इम्प्योरिटीज हैं इनको हम रिमूव करें। जीनिंग इज फर्स्ट एफर्ट टू मेक कॉटन फाइबर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। दोस्तों, जो हमारी जीनिंग प्रोसेस होती है, तो ये हमारा जो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है उसमें पहला एफर्ट होता है। तो जीनिंग के माध्यम से हम अपने कॉटन को जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हटाते हैं। जीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स। दोस्तों, ये जो हमारी जीनिंग प्रोसेस होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको कॉटन सीड से अलग किया जाता है, मतलब सेपरेट करते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जीनिंग इज टू रिमूव द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। दोस्तों, जो हमारी जीनिंग प्रोसेस होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग करते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, डस्ट डर्ट एंड लीव्स आर आल्सो रिमूव्ड ड्यूरिंग जीनिंग। दोस्तों, जीनिंग के दौरान हम कॉटन फाइबर से गंदगी भी निकालते हैं, धूल भी निकालते हैं, और जो प्लांट लीव्स होते हैं या प्लांट के ब्रोकन स्टेम्स होते हैं उनको भी हम रिमूव करते हैं। नाउ दीज डेज जीनिंग ऑफ कॉटन इज परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन अवेलेबल। दोस्तों, जो हमारी जीनिंग प्रोसेस होती है आज की तारीख में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन से जीनिंग परफॉर्म की जाती है। और दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे वर्किंग ऑफ जीनिंग मशीन। दोस्तों, ये जो हमारी जीनिंग मशीन होती है उसकी वर्किंग क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए जीनिंग मशीन का हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ए ए यहाँ पर ये ए है, इसको बोलते हैं फीडर हॉपर। और बी देखिए दोस्तों, बी कहाँ पे आपका ये है, ये स्पाइक्ड रोलर है। और दोस्तों, सी क्या है, ये आपकी सी, ये देखो ये चल रही है, ये लैटिस है। और डी आपका कहाँ पर ये है, ये हॉपर होता है। और दोस्तों, इसके बाद में ई देखिए, ये होता है केज रोलर। तो ई कहाँ है आपका, ये है आपका ई, तो ई है आपका केज रोलर। और दोस्तों, एफ देखिए, एफ है परफोरेटेड केज। देखिए दोस्तों, ये एफ है, ये परफोरेटेड केज होती है। इसके बाद में देखिए जी, आपकी जी कहाँ है दोस्तों, जी है आपकी ये, तो जी इसको बोलते हैं फ्लो। और एच देखिए दोस्तों, एच कहाँ पे आपका, एच है आपका ये ब्रश होता है, मतलब ब्रश रोलर होता है। और आपका ये देखिए आई, आई कहाँ पे आपकी दोस्तों, ये आई है, ये सा रोलर होता है। और आपका जे देखिए, जे कहाँ पे, ये है आपका, ये आयरन ग्रेड होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि जो हमारी जीनिंग मशीन होती है उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है और कौन कौन से स्टेप में होती है। वर्किंग ऑफ ए जीनिंग मशीन कैन बी
डिस्क्राइब इन फॉलोइंग स्टेप्स। दोस्तों जीनिंग मशीन की वर्किंग को हम नीचे दिए गए स्टेप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इनको जो वर्किंग है इसकी, इसको हमने अलग अलग सिस्टम में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है फीडिंग सिस्टम, दूसरा होता है ड्राइंग सिस्टम, तीसरा होता है ओपनिंग सिस्टम, चौथा होता है क्लीनिंग सिस्टम, और पांचवा होता है सीड सेपरेशन सिस्टम, और छठवा होता है लिंट कलेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहला आता है आपका फीडिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर दोस्तों, कॉटन फीडिंग सिस्टम इन ऑल टाइप ऑफ जिनिंग मशीन्स, कॉटन अराइविंग इन ट्रेलर इज फेड इनटू जिन थ्रू ए लैटिस। दोस्तों जो हमारी पुरानी टाइप की मशीनें होती थी, उनमें जो हम कॉटन का जो फीडिंग करते थे वो लैटिस के माध्यम से करते थे। कॉटन इज पुट ऑन टू द लैटिस, जो कॉटन होता है उसको हम लैटिस के ऊपर रख देते हैं। व्हेन लैटिस रोटेट्स, या हमारी जो लैटिस है वो रोटेट करती है, इट कैरीज द कॉटन फॉरवर्ड विद इट। दोस्तों ये अपने साथ आगे की ओर कॉटन को ले जाती है। द लैटिस इज मेड ऑफ वुडन स्ट्राइप्स, जो हमारी लैटिस होती है वो वुडन स्ट्राइप से बनी होती है, मतलब लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उनसे बनी होती है। कॉटन इज फेड इन द हॉपर, दोस्तों जो कॉटन होता है उसको हॉपर में फीड किया जाता है। कॉटन फॉल्स ऑन टू द लैटिस ऑटोमेटिकली ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। दोस्तों जो हमारा कॉटन होता है वो लैटिस के ऊपर खुद की ग्रेविटी के वजह से ऑटोमेटिकली लैटिस के ऊपर गिरता है। इन मॉडर्न मशीन्स द कॉटन इज डायरेक्टली सक्ड थ्रू ए लार्ज एयर सक्शन पाइप। दोस्तों जो आजकल की हमारी मॉडर्न मशीनें हैं उनमें जो कॉटन की फीडिंग होती है तो वो एयर की सकिंग के द्वारा की जाती है, सकिंग पाइप लगे होते हैं। एंड इज सेंट इनटू जिन, और दोस्तों जो हमारे एयर सकिंग के पाइप होते हैं उनके थ्रू हमारा जो कॉटन होता है डायरेक्टली जिनिंग मशीन में चला जाता है। डायमीटर ऑफ दिस सक्शन पाइप नियरली इक्वल टू 16 इंचेज। दोस्तों ये जो हमारे सक्शन पाइप होते हैं इनका जो डायमीटर होता है लगभग 16 इंच के आसपास में होता है। दोस्तों अब आता है आपका ड्राइंग सिस्टम। तो ड्राइंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है, देखिए। मॉइस्ट कॉटन क्रिएट्स डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ओपनिंग क्लीनिंग एंड सीड सेपरेटिंग एक्शन। दोस्तों जब हमारी जिनिंग होती है तो उसमें तीन एक्शन होते हैं, ओपनिंग, क्लीनिंग और सीड सेपरेशन। तो दोस्तों यदि आपका जो कॉटन होता है वो जरूरत से ज़्यादा मॉइस्ट है या जरूरत से ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर होता है तो वो इन तीनों एक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दैट इट डिमांड्स टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। दोस्तों इसलिए हमारी जिनिंग प्रोसेस के अंदर आवश्यकता होती है कि जितना भी मॉइस्चर एक्स्ट्रा है या एक्सेस मॉइस्चर है हमारे कॉटन के अंदर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब रिमूव कर दिया जाए। ड्यू टू एक्सेस वाटर कंटेंट कॉटन फाइबर ग्रिप स्ट्रॉन्गली टू द कॉटन सीड। दोस्तों यदि हमारा जो कॉटन फाइबर है उसके अंदर मॉइस्चर यदि आवश्यकता से अधिक होता है तो हमारा कॉटन फाइबर कॉटन सीड को स्ट्रॉन्गली ग्रिप कर लेता है। कॉटन फाइबर्स आर पास थ्रू ड्रायर एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज रिमूव अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। दोस्तों ये जो हमारा कॉटन फाइबर होता है वो ड्रायर के थ्रू गुजरता है, जब ड्रायर के थ्रू गुजरता है तो क्या होता है, जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है या जरूरत से अधिक जो पानी की मात्रा होती है उसका अधिकतम भाग इस ड्रायर में पास होने से कॉटन का वो खत्म हो जाता है। नाउ कॉटन इज रेडी फॉर ओपनिंग एंड क्लीनिंग। दोस्तों ड्राइंग के बाद में जो हमारा कॉटन होता है वो आगे के जो एक्शन होते हैं मतलब ओपनिंग और क्लीनिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब दोस्तों एक होता है ओपनिंग सिस्टम। व्हेन कॉटन पासेस थ्रू रोटेटिंग स्पाइक्स एंड सा रोलर्स। दोस्तों जब हमारा कॉटन रोटेटिंग स्पाइक रोलर होता है और जो सा रोलर होता है उनसे गुजरता है। मॉड्यूल्स आर ब्रेक इन मॉडर्न मशीन, मॉड्यूल्स आर ब्रेक बाय सक्शन पाइप्स। दोस्तों क्या होता है, जब हमारा कॉटन होता है वो स्पाइस रोलर और सा रोलर से गुजरता है तो जो कॉटन होता है उसके मॉड्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, और जो हमारी नई मशीनें होती हैं उनमें जो मॉड्यूल को ब्रेक करने के लिए हम सक्शन पाइप्स का प्रयोग भी करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्लीनिंग सिस्टम।
कॉटन नाउ पासिस थ्रू क्लीनिंग सिलेंडर। दोस्तों अब क्या होता है कि हमारा जो कॉटन होता है ओपनिंग के बाद में क्लीनिंग सिलेंडर से पास होता है। दिस क्लीनिंग सिलेंडर हैज 6 to 7 रोटेटिंग स्पाइक्ड रोलर्स। दोस्तों ये जो हमारा क्लीनिंग सिस्टम होता है इसके अंदर 6 से लेकर 7 तक स्पाइक्स रोलर होते हैं, तो इनसे हमारा जो ओपन किया हुआ कॉटन है वो पास होता है। दीज रोलर ब्रेक क्लम्प्स ऑफ कॉटन। दोस्तों ये जो हमारे स्पाइक्स रोलर होते हैं वो कॉटन के जो क्लम्प्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। फॉरेन मटेरियल लीव्स डस्ट रिमूव हियर एंड पासिस थ्रू रोड्स और स्क्रीन्स फॉर रिमूवल। दोस्तों क्या होता है जब हमारा कॉटन जो स्पाइस रोलर होते हैं उनसे पास होता है तो क्या होता है कि उससे जो फॉरेन मटेरियल होता है लाइक ब्रोकन लीव्स होती है, ब्रोकन स्टेम्स होते हैं, डस्ट होती है और डर्ट होती है, वो सारी रिमूव हो जाती है। द स्टिक मशीन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिमूव लार्जर फॉरेन मैटर सच एज ए स्टिक्स एंड वर्स वाइल द कॉटन इज हेल्ड बाई फास्ट रिवॉल्विंग सा सिलेंडर। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग करते हैं और इससे हमारा जो फॉरेन मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब डस्ट होती है, डर्ट होती है, लीव्स वगैरह होती है, वो रिमूव हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद होता है सीड सेपरेशन सिस्टम। तो देखिए दोस्तों सीड सेपरेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। द जिन स्टैंड यूजेस द टीथ ऑफ रोटेटिंग सॉज टू पुल द कॉटन थ्रू ए सीरीज ऑफ जिनिंग रिब्स। दोस्तों जो हमारे सा रोलर होते हैं वो यूज किए जाते हैं विच पुल द फाइबर्स फ्रॉम द सीड। दोस्तों ये जो हमारे सा रोलर होते हैं वो फाइबर को सीड से खींच लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। विच आर टू लार्ज टू पास थ्रू द रिब्स। दोस्तों ये हमारे जो रिब के थ्रू आसानी से पास हो जाते हैं। द क्लीन सीड्स इज देन रिमूव फ्रॉम द जिन बाया एंड ऑगर सिस्टम। दोस्तों जो हमारे क्लीन सीड्स होते हैं वो ऑगर सिस्टम के थ्रू बाहर निकल आते हैं। द सीड इज रीयूज्ड फॉर प्लांटिंग और इज सेंट टू एन ऑयल मिल टू बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू कॉटन सीड ऑयल एंड कॉटन सीड मिल। दोस्तों जो हमारे सीड निकलते हैं इनमें से कुछ सीड को तो हम फर्दर प्लांटिंग के लिए भेज देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा सीड्स वगैरह जो निकलते हैं उनको हम ऑयल मिल में भेज देते हैं जिससे हम कॉटन सीड ऑयल निकाल सकें या कॉटन सीड मिल भी निकाल सकें। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका कॉटन लिंट कलेक्शन सिस्टम। दोस्तों अब हमारा कॉटन बिल्कुल साफ हो चुका है, उससे सीड सेपरेशन हो गया, तो इसके बाद में क्या होता है कि हमें जो फाइबर निकल रहे हैं हमारे साफ उनको हमें कलेक्ट करना है। द लिंट क्लीनर अगेन यूज सा एंड ग्रिड बार्स। दोस्तों जो लिंट क्लीनर्स होते हैं वो सा और ग्रिड बार का उपयोग करते हैं। दिस टाइम टू सेपरेट इमेच्योर सीड्स एंड एनी रिमेनिंग फॉरेन मैटर फ्रॉम द फाइबर। अब दोस्तों जब हम कॉटन लिंट्स का कलेक्शन कर रहे होते हैं तो इस टाइम पर भी जो हमारे इमेच्योर सीड होते हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं और भी जो फॉरेन मैटर होता है वो भी रिमूव हो जाता है। द वेल प्रेस देन कंप्रेस्ड द कॉटन इनटू वेल फॉर स्टोरेज एंड शिपिंग। अब दोस्तों जो हमारा कॉटन लिंट का कलेक्शन होता है जब वो एक रिक्वायर्ड वजन तक पहुँच जाता है तो उसको हम प्रेस करते हैं, उससे बेल मेकिंग करते हैं, बेल बनाते हैं और उसकी पैकिंग करके शिपिंग के लिए तैयार कर देते हैं। द मॉडर्न जींस कैन प्रोसेस्ड द मॉडर्न जीन कैन प्रोसेस अप टू 15 टन्स ऑफ कॉटन पर आवर। दोस्तों जो हमारे मॉडर्न जीनिंग मशीन है वो लगभग 15 टन तक कॉटन एक घंटे में प्रोसेस कर सकते हैं। अब दोस्तों एक होता है पोस्ट जिनिंग ट्रीटमेंट, मतलब ये क्या होता है पोस्ट जिनिंग ट्रीटमेंट या इसको वेल फॉर्मेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आफ्टर जिनिंग कॉटन लिंट्स आर रेडी टू सेंड टू मार्केट। दोस्तों क्या होता है कि जब जिनिंग हो गई इसके बाद में जो हमारे कॉटन लिंट निकले वो हमारे कॉटन लिंट रेडी टू सेंड होते हैं मार्केट के लिए। सिंस कॉटन फाइबर हैज लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि हम जानते हैं
तो जो हमारा कॉटन फाइबर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत लो होती है, सो दैट इट कवर्स मोर वॉल्यूम एंड डिफिकल्टीज आर फेस्ड ड्यूरिंग शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों हमारा जो कॉटन फाइबर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से जो हमारा कॉटन फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता है, इसलिए हमें डिफिकल्टी होती है इसकी शिपिंग करने में और ट्रांसपोर्ट करने में। कम्पैक्ट पैकिंग ऑफ कॉटन इज डन टू मिनिमाइज द वॉल्यूम। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉटन की कम्पैक्ट पैकिंग करते हैं। कॉटन लिंट्स आर कंप्रेस्ड थ्रू ए हाइड्रोलिक प्रेस। दोस्तों कॉटन लिंट्स को हम एक हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा कंप्रेस करते हैं। कंपैक्ट एंड डिजायर्ड शेप ऑफ कॉटन वेल इज ऑब्टेंड। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये जो पोस्ट जीनिंग ट्रीटमेंट होता है इसके माध्यम से हम एक कंपैक्ट और डिजायर्ड शेप प्राप्त करते हैं वेल की। ईच वेल हैज 500 LVS वेट। दोस्तों जो हमारी कॉटन की बेल होती है तो प्रत्येक बेल का जो वजन होता है वो 500 LVS होता है। कंप्रेस्ड बेल्स आर वेंडेड एंड रैप्ड। दोस्तों अब जो हमारे जो कंप्रेस्ड बेल होते हैं उनको हम किसी पॉलीप्रोपाइलिन शीट से रैप कर देते हैं। मॉइस्चर रेजिस्टेंट रैपिंग ऑफ कॉटन बेल इज डन। दोस्तों जब हम कॉटन बेल की रैपिंग करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि उसके रैपिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो। कॉटन और पॉलीप्रोपाइलिन में भी यूज्ड फॉर रैपिंग। दोस्तों हम रैपिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलिन या कॉटन का प्रयोग करते हैं विच मेंटेन्स द प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कॉटन। दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो कॉटन में मॉइस्चर कंटेंट को प्रॉपर बनाए रखती हैं। प्रॉपर एंड गुड रैपिंग आल्सो हेल्प्स टू कीप बेल्स क्लीन ड्यूरिंग हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों यदि हमारे जो वेल हैं कॉटन के वेल हैं उनकी अगर प्रॉपर पैकिंग होती है या प्रॉपर रैपिंग होती है तो उससे उनके गंदे होने का भी खतरा नहीं रखता है हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज गिवन टू ईच बेल। और दोस्तों जब हमारी बेल पैक हो जाती है तो प्रत्येक बेल को एक विशेष आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। नाउ कॉटन इज रेडी टू सेंड फॉर मार्केटिंग। दोस्तों अब जो हमारी कॉटन की बेल बिल्कुल रेडी हो गई है पैक होके वो हमारी शिपिंग के लिए तैयार हो जाती है, मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बेल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं पोस्ट जीनिंग ट्रीटमेंट। तो दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।